हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा किस तरीके से आप न्यू अपडेट इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें परमानेंटली। हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टा आईडी को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप को ओपन करना है। जिसे आप इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप को ओपन करते हो, कुछ तरह इंटरफेस आता है। इंस्टा आईडी को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल आइकन, तो आपको प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करना है। ऐसे आप प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करोगे, आपका इंस्टाग्राम आईडी का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन होता है, आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जिसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे, कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग एंड एक्टिविटी योर अकाउंट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अकाउंट सेंटर, तो आपको अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसे आप अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज पेन हो जाएगा मेटा अकाउंट सेंटर। इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अकाउंट सेटिंग, इसके नीचे एक ऑप्शन होता है पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। जिसे आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करोगे, एक न्यू पेज पेन हो जाएगा पर्सनल डिटेल। इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। इसे आप अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज पेन हो जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डीएक्टिवेशन और डिलीशन, टेम्पररी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल, तो आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज पेन हो जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन। तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम आईडी शो कर जाएगा, तो आपको क्या करना है इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करना है। जिसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट है डीएक्टिवेट अकाउंट और एक ऑप्शन होता है डिलीट अकाउंट। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाता है डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्पररी। तो अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हो इंस्टाग्राम आईडी से, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा डिलीटिंग योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रीज़न देखने को मिल जाता है, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएटेड अ सेकेंड अकाउंट। तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्रिएटेड अ सेकेंड अकाउंट। देन आपके सामने एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अनदर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आपका यूजर नेम शो कर जाएगा, जैसे कि मेरे यहाँ पे शो कर रहा है शेख जवाद अली 123। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर अ सिक्योरिटी प्लीज री एंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू, तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड को एंटर कर लेना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हो इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड को पता करना चाहते हो, या फिर देखना चाहते हो, या फिर चेक करना चाहते हो इंस्टाग्राम आईडी का, तो मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। तो मुझे अपना पासवर्ड याद है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पे आपको डेट बता देगा, इस डेट तक आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दिया, इफ़ यू कंटिन्यू विथ अकाउंट डिलीशन योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल विल बी डिलीटेड ऑन अगस्त 2, 2024, यू वॉन्ट बी विजिबल ऑन इंस्टाग्राम बिटवीन नाउ एंड देन, यू कैन कैंसिल परमानेंट डिलीशन प्रोसेस एट एनी टाइम बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट थ्रू अकाउंट सेंटर और लॉगिंग इन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक डेट बता देगा, इस डेट तक आपको लॉगिन नहीं करा है, मेरे यहाँ पे अगस्त 2 शो कर रहा है, अगस्त 2, 2024 तक अगर मैं इस आईडी को लॉगिन नहीं करूँगा तो मेरा ये अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है डिलीट अकाउंट, तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। इसे आप डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पेज लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड्स, देखते हो हमारा जो अकाउंट है शेड्यूल हो चुका है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बता देगा।
अकाउंट शेड्यूल फॉर डिलीशन। सो फ्रेंड्स देखते हो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है, तो आप इस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। 2024 में ये था न्यू अपडेट, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें परमानेंटली के बारे में। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।